शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये चैप्टर वन है। आज से हम शुरू कर चुके हैं कि एसएससी जीडी की जो ग्रामर सेक्शन है वो हम पिछले बार जो क्वेश्चन आए हैं पूरा क्वेश्चन हम एक महीने में ही कंप्लीट करेंगे। तो आज का पेपर ये है, ये 2021 की पेपर है जो 2021 में ग्रामर आई थी। तो पहला क्वेश्चन ये था, आकाश में बादल छाए हुए कौन सा शब्द रेखांकित शब्दों का पर्याय नहीं है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन होगी राइट 3, तो बागदेवी। तो मैं इतना नहीं बताऊंगा आपको, आप बस क्योंकि एसएससी में सबसे ज़्यादा पिछली क्वेश्चन ही आती है, जो पुराने क्वेश्चन है वही रिपीट करते रहते हैं, तो आप बस नोट करते जाइए और जो कठिन होगा सबसे ज़्यादा कठिन लग रहा होगा वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों का ओह भाग तो करिए जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मतलब कि जिसके भाग में कोई त्रुटि नहीं है वो त्रुटि अब मैं निकल नहीं है। एक नगर को अपना कर्ज निभाना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। मतलब कि ये शब्द है इसे ठीक ठाक है या नहीं, ये हमारा आंसर होगा 3.1। मतलब कि 3 जो फास्ट 3 वाला वो आगे आएगा, मतलब कि कोई त्रुटि नहीं है। फिर आएगा एक नगर को निभाना चाहिए, एक नगर को नेक्स्ट दिए गए शब्दों का निम्रो शब्दों से विलंब नहीं है, शुभस्ता। तो ये प्रिंटिंग का ऐसा है, तो ये इसमें आंसर होगा सुसारु। नेक्स्ट, जो इंडिया की पहुंच के बाहर हो उस शब्दों के लिए एक शब्द होगा वो है इंद्रजीत। जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर है, जो इंद्रियों की पहुंच के बाहर है उसे क्या कहते हैं वो है इंद्रजीत। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं वो उसको कहते हैं अल्पभाषी। तो देख सकते हो ये हिंदी बहुत ही आसान है, तो आप हिंदी में ही ग्रामर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले। सही बर्तनी वाले शब्दों का चयन करें, यह है हमारा पृथक। दिए गए शब्दों का के लिए एक शब्द दीजिए, परंपरा से चली आ रही बात या कथा इसे प्रारंभिक, जो बहुत दिनों से अब चल रहा है उसे। दिए गए शब्द के लिए किस भाग में त्रुटि है, ये मानसिक दस्ता सदा काल से चली आ रही है, ये सदा काल से आंसर होगी सदा काल से। सही बर्तनी वाले शब्दों का चयन करें, इसमें शंगा है। माँ रसाई घर में वो के लिए खाने का पका रही है, सुशा को पहचानिए, इसमें है खाने को पका रही है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त का चयन करें, मैं और मेरी प्रियो को हॉकी खेलना शौक है, मतलब एक के नाम है उन दोनों का हॉकी खेलना, तो इसमें होगा मुझे और मेरी प्रियो को। चंचल का विलंब क्या होगा, चंचल का विलंब होगा स्थिर। जो चंचल होता है वो मतलब कि सबसे तेज़ होती है, जो यहाँ वहाँ ऐसे करके फेंकती है उसको चंचल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल पे तौर के ऊपर कहें तो छोटे बच्चे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंडों को प्रथम स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त वाक्यांशों का चयन करें, यदि
इसे प्रतिस्थापित करने के लिए करने की अब कथा नहीं है, तो रिक्त किसी बदलाव की, आजकल राजनीति बदल गई है तो यह बदल गई है, मतलब कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको आपको सुधारना है, बदल गई है तो आ ओ हो गए। इसमें हमें क्या कहा, एक तो स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्दों का चयन करें, दहेज प्रथा समाज के लिए क्या है, अभिशाप है, दहेज तो दहेज लेते हैं, दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। नेक्स्ट देखते हैं, अंधेरी रातों वाला पखवारा हुआ शब्द के लिए उपयुक्त शब्दों को शब्द होगा तृष्णोपख, अंधेरी रातों वाला पखवारा शब्द को कृष्णोपख। निम्नोचार वाक्यों में से उस वाक्यों का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरों का अर्थ कहते हैं। ये मुहावरे है, मोहर लगाना, लगा देना, मोहर लगा देना तो पुष्टि करना, मोहर लगा देना, ये मुहावरे है। मुहावरे बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको एसएससी की किताब में, आपको बुक में आपको मिल जाएंगे मुहावरे, हम मुहावरे भी डिस्कस करेंगे, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम मुहावरे भी कंप्लीट करेंगे। दिए गए शब्दों के समानत शब्दों का चयन कीजिए, सूर्य, सूर्य की है आदित्य, ये आपको मिल जाएंगे, सूर्य के समर्थक शब्दों, समर्थक शब्द बहुत मिल जाते हैं। आँखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताइए, रुकापन, आँखें दिखाना का मतलब है रुकापन। नीचे दिए गए खाली स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द चयन कीजिए, शर्मिला का ऊंची एरी का शेडिल किए जा रहे हैं, इसमें होगा खिटिर खिटिर। नेक्स्ट है, गा शब्दों का स्थान के लिए संभवित उपयुक्त शब्द होगा शांति। इसमें एक हमें एक वाक्यांश दिए गए हैं, इसमें से हमें ये फिलअप करनी है। दिमाग मनुष्य के लिए सुख के साधन बढ़ा सकता है, मगर संतोष और मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए ये घर, यहाँ पे देश है की बात है कि आज आदमी के पास दिन दिल नाम की चीज नहीं रहा गई। तो यहाँ पे एक नंबर के लिए क्या बताया, दिमाग मनुष्य के लिए सुख का सदन बठर सकता है, मगर संतोष और संकट मनुष्य के हृदय से उत्पन्न होती है, मतलब संकट उत्पन्न होती है, लेकिन मनुष्यता के लिए ये घर। दो नंबर हम देखते हैं, पूंजी, मनुष्यता के लिए ये घर पूंजी की बात है कि आज आदमी के पास दिल नाम की चीज नहीं रहा गई, उनकी सारी तीखी तीखी उनका दिमाग हो गया है, दिमाग से तलवार तो बहुत समास समास निकल रही है, लेकिन तो ये था 2021 में आने वाले 25 क्वेश्चन जो 2021 में ग्रामर सेक्शन में 25 दिए गए थे, 25 के लिए 25 मार्क दिए गए थे।
तो ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये मेरा पहला पार्ट है। हो सकते हैं बहुत गलती हो चुके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सही से समझने के लिए कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।